किसान आंदोलन के 11 महीने बीत चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हूं। होली भी यहीं किसानों की मन गई और दीपावली भी मन गई और आज भैया दूज का वक्त है। आप देख सकते हैं कि ये राकेश टिकैत जी हैं और राकेश टिकैत जी की बेटी जो है वो बड़ौस से आई है, तो आज राकेश जी से भी बात करेंगे और उनकी बेटी से भी बात करेंगे। राकेश जी, आपकी बेटी जो है आई है, हाँ, तो हर त्योहार पर यहाँ पर आती है। हाँ, आज वो है भैया दूज है। हाँ हाँ, तो आजा घूमने फिरने की, इनका एक घर यहाँ पे भी है। अच्छा, आज आज सब आजा। अच्छा, तो ये आपके बेटी हैं? हाँ। और उनके बच्चे हैं? हाँ, ये बच्चे हैं, ये सब इनके परिवार से ही है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। तो राकेश जी की तो बेटी से घूमने फिरने आ जा। अच्छा, हाँ आ जा, अता पता ले ले। तो सर 11 महीने से यहाँ पर हैं आप, अपने परिवार के लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं? तो मिल तो रहे हैं। तो अच्छा, हाँ सारा परिवार। लेकिन आपको लगता नहीं है कि आपके पिताजी काफी लंबे वक्त से हम आ जाते हैं मिलने के लिए इनसे? हम आ जाते हैं इनसे नहीं, लेकिन एक घर की बात अलग होती है, घर से नहीं, दूर नहीं, रहना तो घर जैसे ही हो रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो और अगर वक्त बढ़ता है आंदोलन में और हम साथ है बढ़ने दो। अच्छा, हाँ जी। लेकिन मुझे थोड़ा मतलब वो लगता है कि हर त्यौहार आदमी घर में मनाता है, चलिए ये भी एक आपका घर है, 11 महीने से आप यहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो मिस होता होगा। नहीं, कुछ मिस नहीं हो रहा है, सब लग रहा है। अच्छा। भाई परिवार है, पूरा परिवार ये सब बैठे हैं 11 महीने। क्रांतिकारियों का घर है जी, हमें। अच्छा, तो आदत पड़ी क्रांतिकारियों का कोई घर हो। अच्छा, लेकिन सरकार से अगर आप कुछ बोलना चाहें तो सरकार से क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे सरकार से, तो क्या कहेंगे सरकार, भाई बात करती हो तो बात कर लो, और क्या, नहीं तो है ही सरकार के सामने तो सब। अच्छा हाँ। अच्छा, और आपके आस पड़ोस में क्या बात होती है आपके पिताजी को लेकर, कि यहाँ काफी दिनों से बैठे हुए हैं, क्या लोग बोलते हैं? आप तो बड़ोस से आई हैं, क्या लोग कहते हैं? ये बोलते हैं भाई अपने किसानों के लिए अक्की लड़ाई लड़ रहे हैं वो। हाँ। तो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। कोई तो चाहिए ना लड़ने के लिए, वो खड़े हैं, हम भी उनके सपोर्ट कर रहे हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं, आस पड़ोस के भी, परिवार भी, रिलेटिव भी, ये मेरी रिलेटिव है, सब हम सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आज भैया दूज पर आप? हाँ जी, भैया दूज आज, भाई दूज मनाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा, हाँ जी जी। तो राकेश जी ने आशीर्वाद दिया, मिठाई भी अभी देख रहा था मैं आपके हाथ में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो राकेश जी आपकी पत्नी भी आती रहती है यहाँ पे? दीपा, अच्छा, आ जा, वो भी आती रहती है। आ जा। तो बड़ा लंबा टाइम बीत रहा है आप गाजीपुर बॉर्डर पर, ऐसे ही परिवार के लोग आपको यहाँ मिलते जुलते रहेंगे, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है? दे देगी सरकार पे भी, तो काम बहुत है ना सरकार को भी। अच्छा, हाँ काम बहुत है सरकार को। लेकिन ये एक बड़ा काम है कि इतने सारे काम भी होंगे, आ जाएगी जब सरकार को फुर्सत हो जाएगी, आ जाएगी। हम क्या कहीं जा रहे, हम भी तो यहीं पे बैठे हैं। हम भी यहीं पर हैं, बिल्कुल डट के बैठे हैं, बिल्कुल नहीं हिलने वाले हैं। अच्छा, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तब तक हम भी नहीं जाएंगे कहीं भी। इस दिवाली आई है, अगली बार भी आएगी, जब तक नहीं मानेगी जब तक यहीं पे रहेंगे। अच्छा। लड़ते रहेंगे। तो दीपावली में आप लोग कैसे मनाएं? आप दीपावली घर पे ही मनी होगी? हाँ जी, ससुराल। पिताजी यहाँ पे? कोई बात नहीं। अच्छा। पापा है यहाँ पे भी तो मना रहे हैं ना भाई, किसानों के साथ में ये भी तो मना रहे हैं, ये भी तो अच्छी तो बात है ना, यहाँ पे भी दिवाली मनाना अपने अपनों के बीच में। ये आपका? ये मेरा बेटा है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? राम वंश। क्या सोच रहे हो किसान आंदोलन के बारे में? जो सब सोचते हैं वही हम सोच रहे हैं। अच्छा, कौन सा ठीक रहे, कपड़ा कौन सा अच्छा? हाँ, कौन सा कपड़ा अच्छा है? ग्रीन। अच्छा, ये हरियाली का प्रतीक, किसानों का एक निशान। तो ये आप देखिए कि तमाम सारे जो परिवार के लोग हैं वही गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार आते हैं, वो जो है राकेश टिकैत की पत्नी हो या इनका पूरा परिवार, और कहीं ना कहीं परिवार का भी सपोर्ट है तभी इस तरीके से पूरा जो किसान आंदोलन है चल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं तमाम सारे सैकड़ों किसान जो है वो अभी भी गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर एक परिवार भी इनका समर्थन कर रहा है, तभी ये सड़क पर इस तरीके से बैठे हुए हैं। पिछले 11 महीने से लगातार ये आंदोलन चल रहा है, 22 जनवरी के बाद में सरकार के साथ में बातचीत भी इनकी बंद है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि
दिवाली और होली किसान अपने घर अपने खेत पर मनाएं, किसानों के साथ में जल्द से जल्द बातचीत करके सरकार को एक बीच का रास्ता जरूर निकालना चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर से रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।